श्री राधे, आज हम पढ़ेंगे, बताएंगे आपको महर्षि वशिष्ठ जी के बारे में। ऋषि वशिष्ठ के बारे में सभी जानते हैं कौन थे वो, तो हम बताएंगे वशिष्ठ जी की उत्पत्ति कैसे हुई। मित्रा वरुण से वशिष्ठ जी की उत्पत्ति कही गई है और फिर निमि के शाप से देह त्याग कर वे आग्नेय पुत्र हुए। वैसे वे सृष्टि के प्रथम कल्प में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। सती शिरोमणि भगवती अरुंधति उनकी पत्नी है। जब ब्रह्मा जी ने इन्हें सूर्य वंश का पुरोहित बनने को कहा, तब ये उसे अस्वीकार करने लगे। शास्त्रों में पुरोहित का पद ब्राह्मण के लिए श्रेष्ठ नहीं माना गया है, जिसमें धन का लोभ न हो, विषय भोगों की इच्छा न हो। वह भला क्यों ऐसे छोटे काम को स्वीकार करे। परंतु ब्रह्मा जी ने समझाया, बेटा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इसी वंश में आगे चलकर प्रकट होंगे। तुम उनके गुरु का गौरवशाली पद पाकर कृतार्थ हो जाओगे। इससे वशिष्ठ जी ने यह पद स्वीकार कर लिया। पहले पूरे सूर्यवंश के वशिष्ठ जी ही पुरोहित थे, किंतु निमि से विवाद हो जाने के कारण सूर्यवंश की दूसरी शाखाओं का पुरोहित क्रम इन्होंने छोड़ दिया और ये अयोध्या के समीप आश्रम बनाकर रहने लगे। ये केवल इक्ष्वाकु के वंश का ही पौरोहित्य करते थे। जब कभी अनावृष्टि होती, अकाल पड़ता, तब अपने तपोबल से वृष्टि करके ये प्रजा की रक्षा करते थे। जब भी अयोध्या के राजकुल पर कोई संकट आया, वशिष्ठ जी ने अपने तपोबल से उन्हें दूर कर दिया। भागीरथ जब तपस्या करते हुए गंगा जी को लाने के विषय में निराश हो गए, तब वशिष्ठ जी ने ही उन्हें प्रोत्साहित किया और मंत्र बताया। महाराज दिलीप के कोई संतान नहीं थी, तब संतान के लिए नंदिनी गौ की सेवा बताकर राजा का मनोरथ वशिष्ठ जी ने पूर्ण किया। एक बार जब विश्वामित्र जी राजा थे, सेना के साथ वशिष्ठ जी के अतिथि हुए। वशिष्ठ जी ने अपनी कामधेनु गौ के प्रभाव से भली भांति राजा का तथा सेना का अनेक प्रकार की सामग्री भोजन से सत्कार किया। गाय का प्रभाव देखकर विश्वामित्र से लेने को तैयार हो गए, परंतु किसी भी मूल्य पर किसी भी पदार्थ के बदले कोई ऋषि गौ विक्रय नहीं कर सकता। और अंत में विश्वामित्र जी बलपूर्वक गाय को छीन को ले जाने को उद्यत हो गए, किंतु वशिष्ठ जी ने अपने ब्रह्म बल से अपार सेना उत्पन्न करके विश्वामित्र को पराजित कर दिया था। पराजित होने पर विश्वामित्र का द्वेष और बढ़ गया। वे तपस्या करके शंकर जी से अनेक दिव्य अस्त्र प्राप्त कर फिर आए, किंतु महर्षि वशिष्ठ जी के ब्रह्मा दंड के सम्मुख उन्हें पराजित ही होना पड़ा। अब उन्होंने उग्र तप करके ब्राह्मणत्व प्राप्त करने का निश्चय किया। विश्वामित्र जी ने महर्षि वशिष्ठ के 100 पुत्र मार दिए, किंतु ये महर्षि तो क्षमा की मूर्ति थे। विश्वामित्र पर इनका तनिक भी रोष नहीं था। एक दिन रात्रि में छिपकर विश्वामित्र जी जब इन्हें मारने आए, तब उन्होंने सुना कि एकांत में वशिष्ठ अपनी पत्नी से कह रहे हैं, इस सुंदर चांदनी रात में तप करके भगवान को संतुष्ट करने का प्रयत्न तो विश्वामित्र जैसे बड़भागी ही करते हैं। शत्रु की एकांत में प्रशंसा करने वाले महापुरुष से द्वेष करने के लिए विश्वामित्र जी का बड़ा पश्चाताप हुआ। वे शस्त्र फेंककर महर्षि के चरणों पर गिर पड़े। वशिष्ठ जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया और ब्रह्म ऋषि स्वीकार किया। भगवान श्री राम को शिष्य रूप में पाकर वशिष्ठ जी ने अपने पुरोहित पद को धन्य माना। योग वशिष्ठ जैसे ज्ञान के मूर्त रूप ग्रंथ का उन्होंने श्री राम को उपदेश दिया। वशिष्ठ संहिता के द्वारा उन्होंने कर्म के महत्व एवं आचरण का आदर्श लोक में स्थापित किया। उनके अनेक विस्तृत चरित्र पुराणों में, अन्य शास्त्रीय ग्रंथों में हैं। उनका जीवन तो श्री राम के प्रेम की मूर्ति ही है। उनका एक ही दृढ़ निश्चय था, राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होए।
श्री भरत लाल जानते थे कि यदि गुरुदेव आज्ञा करें तो रघुनाथ जी वन से अयोध्या लौट चलेंगे, किंतु वे यह भी जानते थे, मुनि पुण्य कहब राम रुख जानी, श्री राम की क्या इच्छा है यह जानकर महर्षि सदा उसके अनुकूल ही चलेंगे। श्री राम की इच्छा में अपनी इच्छा को उन्होंने एक कर दिया था। आज भी जगत के कल्याण के लिए वशिष्ठ जी देवी अरुंधति के साथ सप्त ऋषियों में स्थित हैं। बोलो वशिष्ठ गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम।